यही भारत का सबसे विवादास्पद स्थल है। यहां कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बागी ने मस्जिद को बनवाया, लेकिन हिंदुओं के एक वर्ग के अनुसार उसने मस्जिद का निर्माण 11वीं शताब्दी में बने राम मंदिर को तोड़कर किया था। ये मस्जिद तभी से कुछ हिंदुओं के आंख की किरकिरी ही बनी रही। नतीजा, शताब्दियों से चला आ रहा टकराव का काला इतिहास, अनेक आंदोलन, कई मुकदमे, खूनी दंगे और देशव्यापी राजनीतिक उथल पुथल। 22-23 दिसंबर 1949, दर्ज FIR के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। उसके बाद नमाज का बंद कर दिया जाना, वहां मूर्तियों का रखा जाना, ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमानों के साथ सरासर ये नाइंसाफी हुई है। इसको केवल मंदिर मस्जिद विवाद के नाते नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि विदेशी आक्रमण की है। जिस तरह से आप शकों के, हुणों के या आर्यों के, या ये मानकर कि वो सब हमारे ही लोग थे, उनकी परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये इतिहास भी स्वीकार करना पड़ेगा। फिर विवाद, फिर मुकदमा, नतीजा अदालत के आदेश से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। मुकदमों और कानूनी दाव पेंचों का सिलसिला चलता रहा। हिंदुओं ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया, मुसलमान चाहते थे कि मस्जिद उनके लिए खोल दी जाए। जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है वो उस मंदिर को दोबारा बनाएगा और शत्रु हमलावरों के प्रतीक चिन्हों को नष्ट करेगा। संघ संप्रदाय के लोग इस बृहत हिंदू समाज में अल्पसंख्यक है और इसलिए वो दूसरे प्रकार के अल्पसंख्यकों से होड़ करते हैं।